सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टेक्निकल शो मिशेर यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि कल फ्री फायर वालों ने हमारा बहुत बड़ा यार काटा था, जो कि उन्होंने बोला था कि कल जो हमारी गेम है वो बंद रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग अच्छे से खेलते रहे, बंदे मारते रहे, रैंक प्लस करते रहे, मेंस करते रहे, यानी कि कुछ भी यार हुआ नहीं ऐसा वैसा। तो फाइनली यार जो फ्री फायर वालों ने फिर से हमारे न्यू सेक्शन में, जहाँ पर जो हमारा न्यू अपडेट आने वाला है उसकी डेट और जो जो हमारे न्यू अपडेट्स आएंगे उनके बारे में बता दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बुरी खबर है जो कि हमारे अलोक करेक्टर को यार लेकर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को यार फिर पूरा देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी गन में चेंजेस होंगे, फिर हमारा जो न्यू अपडेट कौन से आएंगे, सभी मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, तो फिर इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए फिर यार, ज़्यादा बातें तो करते नहीं है फिर हमेशा की तरह, तो चलिए फिर हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि हर रोज़ आपको अपडेट से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। और हमारा जल्द ही गिवे भी आने वाला है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे और किस चीज़ का गिवे है। सो जरूर से ज़रूर आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो यार सबसे पहले हमारे अपडेट की बात करें तो जो हमारा न्यू करेक्टर आने वाला है स्टेफी, जो कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, जो स्टेफी की पिक्चर है बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू करेक्टर आएगा स्टेफी का, तो उसका जो स्किल है वो क्या है कि वो क्या करती है कि वो जैसे हमारा अलोक एक एरिया बनाता है, ठीक है, तो वैसे ही जो स्टेफी करेक्टर होगा वो भी एक एरिया बनाएगी, ठीक है, एरिया एक बनाएगी और उसमें रहकर उसकी जो डैमेज है वो दूसरे बंदों को अगर वो डैमेज देगी, लेकिन जो एक्सप्लोडिंग वेपन होते हैं जैसा कि बम हो गया, M79 हो गया, क्रॉसबो हो गया, तो उसकी डैमेज जो दूसरे बंदों को ज़्यादा पड़ेगी इसको कम पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला जो इसका करेक्टर है, करेक्टर की जो स्किल है, यानी कि फिर से मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि मान लीजिए यहाँ पर जो ये वाली जो करेक्टर है स्टेफी को जो डैमेज पड़ रहा है, ठीक है, वो पड़ रहा है 20 का, ठीक है। तो लेकिन ये जो दूसरे बंदे को डैमेज देगी वो मान लीजिए 30 या 35 का, यानी कि इंक्रीज करके जो डैमेज है दूसरे बंदों को देती है, ठीक है। तो अब बात कर लें दूसरे हमारे अपडेट की, जो है न्यू एडवांस्ड अटैचमेंट, जो कि हमारे, मैंने आपको पहले बताया था कि AWM गन के लिए एक न्यू वो क्या क्या रहेंगे कि जो आर्मर पियर्सर है ऐसी एक अटैचमेंट उसके साथ ऐड करी जाएगी हमारी AWM के साथ, जिसके चलते जहाँ पर उसमें जो कुछ इम्प्रूवमेंट होगी जो उन्होंने यार नहीं लिखा है तो मैं आपको बता दूंगा अगर मेरे को पता चलता है। और जो थर्मल बूस्ट है, जहाँ पर मेरे ख्याल से जो थर्मल स्कोप है इनबिल्ट देंगे, जो प्लाज्मा गन है लेकिन इनबिल्ट यहाँ पर हो सकता है कोई ये भी आइटम हो उसके लिए। तो अगर आपको किसी को पता है कि जो ये वाली जो दोनों गन की जो आइटम्स मिल रही है उनकी जो एबिलिटी क्या है, तो आप जरूर से जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है यार। तो बात कर लें तीसरे अपडेट की, जो होगा हमारा कालाहारी फुल मैप, जो कि हमारे अपडेट के बाद जहाँ पर उन्होंने लिखा है मैप विल बी रिलीज्ड सून आफ्टर पैच, यानी कि पूरा आपको जो मैप है वो अपडेट के दिन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सून उन्होंने लिखा है कि जल्द ही जो हमारा न्यू कालाहारी मैप है उसको फुल दे दिया जाएगा। तो यार ये भी बहुत ही बढ़िया है, कालाहारी मैप मेरे को बहुत पसंद था, आपको कितनों को पसंद है आप जरूर से जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लें हमारे चौथे अपडेट की, जो आएगा हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड्स कमिंग सून। तो यार ये वाला जो अपडेट है ना, मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो कि यार बंदे आते हैं न्यू गेम खेलने आते हैं, ठीक है, वो जब ऐसे न्यू गेम खेलते हैं हालांकि उनको बॉट्स मिलते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप खुद उनको ऐड कर लें अपने स्क्वाड में और बड़े बड़े जो बंदे हैं खुंड फिरते हैं जो उनके साथ उनका मैच हो जाए, तो यार उनका तो चड्डी में ही हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए यार यहाँ पे जो ट्रेनिंग मोड होगा वो बहुत ही अच्छा है, जिसके चलते वो ट्रेनिंग कर पाएंगे कैसे बंदों को मारना है, कैसे क्या करना है, कैसे कवर लेना है, तो सारा कुछ यार इस ट्रेनिंग मोड में आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने, हो सकता है कि स्क्वाड वाले बंदों के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ एनिमीज के साथ कर सकते हैं, तो यार जब ये आएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो बात करें यार हमारे पांचवें अपडेट की, जो कि आएंगे न्यू इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनहेलर करके एक हमारा इक्विपमेंट आएगा, जिसके चलते आप यहाँ पे जो चलते चलते जो अपनी ईपी होगी उसको बढ़ा सकेंगे, ठीक है, इसको आप चलते चलते यूज़ कर पाएंगे, बहुत ही कमाल का यार। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप चलते चलते जो आपकी ईपी है वो बढ़ेगी, ऐसे मेडिकेट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्फ बोर्ड आएगा, जो कि आप उसके चलते बहुत ही तेज़ी से मूव कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से हूवर आएगा ऐसा उसका नाम था आइटम का, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक सर्फ बोर्ड उसको बोल दिया है, तो उसका नाम हूवर था, तो यार ये भी हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर छठे अपडेट की बात कर लेंगे, न्यू आइटम्स इन रैंक्ड मोड, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये वाला जो हमारी न्यू आइटम्स रैंक्ड मोड में आएगी, जो कि हमको बस क्लासिक में देखने को मिलती थी, एक है हमारा डबल मैगजीन जो कि हमें क्लासिक में देखने को मिलता था, अभी रैंक में भी देखने को मिलेगा। फिर हमारी आइस पिस्टल गन जिसके चलते हम ग्लोबल लगा लेते हैं, लेकिन वो आपको मिलेगी बस एयर ड्रॉप में, ठीक है, इसको रेयर आइटम कर दिया गया है। जो हमारी ग्लोबल गन है, आइस गन है, ये आपको एयर ड्रॉप में मिलेगी। और उसके साथ ही कार 98K का जो बायोस्कोप है वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा, VSS का रिपर बुलेट मिलेगा, और M14 की जो रेंज कोर है वो भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये वाली जो सभी आइटम्स है क्या काम करती है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, जो हमारा गन चेंजेस वाला है यहाँ पर उसमें बताता हूँ। तो आप बात कर लें साथ में हमारे अपडेट की, फ्रेंड लिस्ट, न्यू UI एंड यू कैन नाउ ब्लॉक फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो यार यहाँ पर जो हमारी फ्रेंड लिस्ट होगी वो बहुत ही चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर टोटली चेंज हो जाएगी। उसमें जो आपको फ्रेंड लिस्ट होगी वो एडवांस्ड, जो एडवांस UI सिस्टम होता है उसके चलते दिखेगी। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि जो बंदा आपको ज़्यादा परेशान करता है आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो फिर ऐसे करके ये वाला काम करेगा। और यहाँ पर 8वें नंबर पर है पार्टी इनवाइट फ्रेंड्स एंड ज्वाइन द पार्टी वाया न्यू इनविटेशन कोड्स। तो यार इस फीचर के बारे में आपको बता दूँ, जो हमारा पार्टी वाला फीचर है, ठीक है, तो इसमें यार क्या होगा कि आप एक तरह का एक कोड जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यार होता है ना, रोज़ आप एक फिक्स बंदे होते हैं 3-4 जो कि आप डेली के डेली खेलते हैं, तो इसके लिए आपको एक इनविटेशन कोड बनाने को मिल जाएगा। तो वो वाला कोड जो भी आपके स्क्वाड का बंदा होगा, ठीक है, वो कोड भरेगा तो अपने आप ही वो आपकी टीम में आ जाया करेगा। तो यार ये वाला जो अपडेट है वो बहुत ही मस्त वाला है। और उसके साथ अब बात करें 9 जो हमारा अपडेट है वो है पेट स्किल को लेकर। तो यहाँ पर जो आप दूसरे जो पेट की स्किल है वो हमारे जो दूसरा पेट है उसमें यानी कि स्किल स्लॉट आ सकता है, अभी पूरा मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही उन्होंने बोला है कि स्किल स्लॉट जो दूसरे पेट का स्किल है आप दूसरे पेट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है यार। तो यार बात कर लें हमारे 10वें अपडेट की, तो वो है हमारा जो फायर बटन है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा, जहाँ पर जो हमारा फायर बटन है वो भी चेंज होने वाला है। और यहाँ पर 11वें अपडेट की बात करें तो जो न्यू सेटिंग है यार ये वाली जो बहुत ही कमाल की है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आप MP40 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे उसकी एमओ हो जाएंगी ख़त्म, ठीक है, लो हो जाएंगी, तो अपने आप ही जो आपकी दूसरी गन होगी वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो यार ये वाला जो अपडेट है वो कमाल का है। तो यहाँ पर आप इसको ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, हो सकता है कि मैनुअल भी कर पाएंगे आप करना चाहते हैं या नहीं, तो ये भी बहुत ही बढ़िया अपडेट है। और यहाँ पर न्यू सेटिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारा 12वां अपडेट है, ठीक है यार। तो इसके साथ ही यहाँ पर आप बात कर ले इम्प्रूवमेंट की, जो कि इम्प्रूवमेंट होंगे वही गन चेंजेस में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी AN-94 गन है उसके यहाँ पर जो कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं AN-94 में, और XM8 जो दोनों गन है उसमें चेंजेस करे गए, क्योंकि यार इनको ज़्यादा बंदे यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो AN-94 है उसमें क्या करा गया है कि जो उसका रेट ऑफ फायर है उसको बढ़ा दिया गया है, रेंज उसकी कम थोड़ी सी कम कर दी गई है, ठीक है, थोड़ी सी। और यहाँ पर जो रिकॉयल करता था, यानी कि एक गोली बचती थी कन्या को एक कुमारी को, ठीक है, यानी कि बहुत दूर दूर जाती थी, पता नहीं चलता था किधर जाती है, तो यहाँ पर जो इसकी रिकवरी और रिकॉयलिंग है उसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर दिया गया है, और डैमेज इसकी डिक्रीज़ कर दी गई है। और यहाँ पर जो इसके मजल होते थे वो यहाँ पर हटा दिए, ठीक है, मजल को यहाँ पर जो इसमें मजर लगता था वो वाला जो अटैचमेंट है उसको कम कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। और XM8 की बात करें तो उसका जो डैमेज उसको प्लस कर दिया गया है, फायर रेट ऑफ फायर भी प्लस कर दिया गया है। और यहाँ पर मूवमेंट स्पीड थी जो कि अगर आप शूट करते थे तो उसकी जो मूवमेंट स्पीड थी वो ज़्यादा होती थी, तो उसको भी यहाँ पर बढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो हम क्या करें, इसकी जो एमओ उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, और इसकी जो रेंज है वो भी माइनस कर दी गई है, और जो एक्यूरेसी थी उसको भी माइनस कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लें हमारे कुछ और अपडेट्स के बारे में कि ऑल इक्विपमेंट सेट नाउ प्रोवाइड हेलमेट एंड आर्मर, ठीक है। तो यार यहाँ पर जो उन्होंने बोला है कि जितने भी यहाँ पर इक्विपमेंट आपको मिलेंगे वहाँ पर पड़े, ठीक है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर हेलमेट और जो हमारी वेस्ट होती है वो भी पड़ी दिखा करेगी, ऐसा यार मेरे को लगता है, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पर एडेड ए न्यू वेपन्स है टू इक्विपमेंट सेट्स, जो कि न्यू इक्विपमेंट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारे VSS के लिए है, Kar98 के लिए है, M14 के लिए, ठीक है, तो वो न्यू इक्विपमेंट ऐड करे जाएंगे। एडेड एयर ड्रॉप टू दी मैप, ठीक है, तो एयर ड्रॉप यहाँ पर कहाँ कहाँ पर मैप में गिरे पड़े हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से वो भी यहाँ पर अब मैप में बताया जाएगा, कहाँ पर आपको जो एयर ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही यहाँ पर जो नी
एडेड न्यू रिस्पॉन पॉइंट्स यहाँ पर वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और वॉइस चैट म्यूटिंग वाला जो कि फीचर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप अपने चारों बंदों में से जो भी आपका स्क्वाड है उसमें से आप जिस बंदे की आवाज़ नहीं सुनना चाहते आप उसको म्यूट कर सकते हैं यहाँ पर स्लाइड करके। और जो थी हमारी सबसे बुरी खबर जो कि मैंने आपको बोला था कि हमारा जो अलोक बाबा उसके रिगार्डिंग बुरी खबर है, तो यार यहाँ पर जो उसकी स्प्रिंटिंग स्पीड थी यानी कि जो हम कई बार क्या होता था कि यार जोन वोन जब आता था ना सेव जोन आता था तो हम क्या करते थे अलोक की जो करेक्टर है उसको यूज़ करके उसकी एबिलिटी को यूज़ करते हैं और यहाँ पर जोन में से बाहर निकल जाते थे भाग भूग के। लेकिन यहाँ पर जो उसकी जो स्प्रिंटिंग वाली एबिलिटी थी उसको यहाँ पर हटा दिया गया है और जो उसकी पावर वाली एचपी वाली एबिलिटी है वो तो है लेकिन जो उसकी मूवमेंट स्पीड वाली एबिलिटी थी यानी कि जो स्प्रिंटिंग वाली एबिलिटी थी वो उसको बंद कर दिया गया था। यार यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है यार, ये बहुत बुरा करा है फ्री फायर वालों ने। तो चलो कोई ना, और यहाँ पर गन चेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया जो कि और यहाँ पर जो दूसरे सभी अपडेट्स मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे करके यार ये वाला जो हमारा अपडेट है OB20 का वो आने वाला है और यहाँ पर जो उन्होंने डेट भी उन्होंने लिख दिया जहाँ पर 25 फरवरी को जो हमारा न्यू अपडेट है OB20 का, ठीक है OB20 का जो हमको 25 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। तो यार बहुत ही मज़ा आने वाला है, इस बार का जो अपडेट है वो बहुत ही बड़ा वाला है, हो सकता है यहाँ पर MB भी बहुत ज़्यादा होगी यार, बहुत ही बड़ी गेम होने वाली है। तो जो फ़ोन छोटे हैं मेरे ख्याल से उनमें यार फिर से हो सकता है कि चलनी बंद हो जाए कुछ फोन्स में। तो चलो यार देखते हैं। तो बस फिर यार यही थी आज की हमारी वीडियो, तो मैं आपको बताना चाहता था हमारे अपडेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यार इस वीडियो को फिर जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर से जरूर करिएगा और आप चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे गिववे के बारे में, तो वो आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो जरूर से जरूर उसमें पार्टिसिपेट करिएगा और वो वाली जो वीडियो वो जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर यार नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर से हमारे फ्री फायर की सभी आइटम्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, यानी कि फ्री फायर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।